सीवरेज लाइन बिछाने के काम में लगी कंपनी की मनमानी महाराणा प्रताप वार्ड के रहवासियों के लिए भारी पड़ रही है। सड़कों को खोदकर सीवरेज लाइन बिछाने के बाद जल्दबाजी में गड्ढों को पुरने के बाद ऊपर से सड़क भी बना दी गई। जैसे तैसे बनाई गई सड़कें धस रही है, इसकी वजह से सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। करीब 4 फीट चौड़ा और 6 फीट गहरा गड्ढा हो गया। कई सड़कों की स्थिति बेहद ही खराब है, जो बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। सड़क पर बिखरी गिट्टी और गड्ढों के कारण आए दिन राहगीर एवं रहवासी सहित स्कूल बच्चे दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। आए दिन वाहन चालक गिर पड़ रहे हैं, साथ ही भारी वाहन यहां फंस जाते हैं। इसके कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस ओर ना ही जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं और ना ही जिम्मेदार। इसका खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर महाराणा प्रताप वार्ड के परसवारा में सीवर के गड्ढे जानलेवा हो गए हैं। कल थोड़ा सा क्या पानी गिरा कि आज पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सीवर वाले अपना काम कर ही नहीं पा रहे हैं और आज सेफ्टी टैंक का जो हमारे यहाँ पे सफाई के लिए बुलवाया हुआ नगर निगम का टैंकर, वो कहीं जा ही नहीं पा रहा, किसी का काम नहीं हो पा रहा। यहाँ पे फंसा हुआ गड्ढे में जेसीबी से उसे अलग निकलवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन निकल ही नहीं रहा है। मेरा निवेदन है कि ये सीवर वाले आकर के उसे तुरंत अपने गड्ढों की भरपाई करें और सही काम करें। ऐसे ही सैकड़ों गाड़ियां धनवंतरी नगर से भूकंप परसवारा कॉलोनी तक इतनी गाड़ियां फंस चुकी हैं, पर सीवर वालों के कान में जू तक नहीं रहता है और सिर्फ उनको एक आश्वासन दे देते कि हो जाएगा, उसके बाद 3-3, 4-4 दिन लापता रहते हैं। 2-2 दिन, 1 दिन गड्ढा खोदते हैं, 3 दिन तक गायब रहते हैं। ये लोग अपना काम समय पर कर ही नहीं रहे हैं, जिससे कि सिर्फ परेशानी ही परेशानी, पूरा वार्ड परेशानी। और सीवर का आलम है कि वो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोज़ गड्ढे, रोज़ नाली, यहाँ काली मिट्टी होने के कारण एक एक गाड़ी ऐसी फंस जाती हैं कि उन्हें निकालने में 2-2 घंटे लग जाते हैं और सभी जनमानस एकदम परेशान हैं। यहाँ की रोडों को कई महीने हो गए हैं, हम लोग को आम जनता बहुत परेशान है। कल इतना पानी गिरने के बाद आने जाने में बड़ी दिक्कत, और आज आप सामने देख रहे हैं जो ट्रक फंसा हुआ, वो इसके पहले भी कई गाड़ियां फंस हुई। मैं स्कूल, हम लोग गाड़ियां चलाते हैं, इतना महीने में इतना खर्चा है इन रोडों को लेके कि आना जाना भी दुश्वार है। और यहाँ की सारी रोडों की कंडम यही हालत है। कई सालों से ये नाटक चल रहा है, लेकिन अभी तक ये कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे सीवर लाइन का काम चल रहा है, लेकिन वो भी ठीक ठाक नहीं चलता। कुछ दिन बंद रहता, कुछ दिन बाद चालू हो जाता, जब चालू होता तो पानी गिरने लगता, बाकी रोडें और कंडम हो जाती, जो बनाते हैं वो भी बिगड़ जाती है। यही साल ये विकास हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। आर्ट इंडिया न्यूज़ के लिए जबलपुर से कदीर खान की रिपोर्ट।